स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मेडिसिन इंडिया पे। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एस्कोरिल प्लस सिरप के बारे में। एस्कोरिल प्लस सिरप ओटीसी ब्रांड है दोस्तों। ये मार्केट में आपको किसी भी दवाई स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। इसको लेने के लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है तो डॉक्टर इसको परचेज कर देते हैं। लेकिन ये सिरप तीन फॉर्मेट में आती है, एस्कोरिल डी प्लस ये और एस्कोरिल प्लस सिरप और एस्कोरिल एल एस सिरप। हम बात करते हैं आपसे एस्कोरिल प्लस सिरप के बारे में। एस्कोरिल प्लस सिरप एस्कोरिल ड्रॉप के नाम से आता है, एस्कोरिल प्लस जूनियर के नाम से आता है और एस्कोरिल सिरप के नाम से आता है, जो 120 ml की मात्रा में होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एस्कोरिल प्लस सिरप के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये रहा एस्कोरिल प्लस सिरप। इसका मैन्युफैक्चरिंग ग्लेनमार्क फार्मेटिकल लिमिटेड करती है। इसके एमआरपी की बात करें तो ये 130 से 135 रुपए की एमआरपी में आपको मिल जाएगा। इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल की डेट के हिसाब से 2 ईयर की होती है। मैन्युफैक्चर डेट से लेके एक्सपायरी डेट तक 2 साल के डेट में रखा जाता है। ये 120 ml की बोतल आती है। ये इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये 5 ml कंटेंट की मात्रा में टर्बुटालिन सल्फेट सल्फेट 1.25 mg, ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, जेस्पेंसिन 50 mg और मेंथॉल 0.5 mg होता है। इसमें टर्बुटालिन सल्फेट और ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जेस्पेंसिन एंड मेंथॉल एक्सपेक्टोरेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है दोस्तों हमारे गले में फंसे म्यूकस यानी कफ को पतला करके बाहर निकालना। ब्रोंको डिलेटर में कोलाइटिक होता है, ये हमारे फेफड़े के अंदर कफ जमे कफ को भी पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। ये एस्कोरिल प्लस जूनियर में भी आता है, 100 ml की बॉटल आती है और एस्कोरिल ड्रॉप भी आता है जो बच्चों के लिए होता है। ये सिरप 120 ml की मात्रा में है, लेकिन ये बच्चों के लिए नहीं है। ये 18 साल से ऊपर के वयस्कों के लिए है। तो आइए हम जान लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए गए हैं और इसमें कौन सी दवा का कौन से केमिकल साल्ट का क्या काम है। आइए थोड़ा इसके बारे में भी हम जानकारी ले लें। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों और हम आपको कुछ इसके बारे में डिटेल बता दें। तो आइए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किस किस कंडीशन में किया जाता है। जैसे ये बलगम वाली खांसी में इसको दिया जाता है, खांसी के साथ एलर्जी हो तो भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, या गले में खराश या सामान्य जुकाम की स्थिति हो तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या हल्का फुल्का दमा हो उसके साथ साथ कफ आ रहा हो तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ को पतला करने का काम करता है और कह सकते हैं ये सांस या लंगस और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये आमतौर पर सर्दी के मौसम में बंद नाक की समस्या से भी राहत दिलाता है। ये सर्दियों के मौसम में नाक से संबंधित समस्याओं या नाक में म्यूकस के जमाव को भी कम कर पतला करके बाहर निकालने का काम करता है और ये अस्थमा में बेहतरीन काम करता है। दमा या अस्थमा श्वसन संबंधी समस्या या फेफड़ों से जुड़ी समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके फेफड़ों में हल्की फुल्की सूजन आ गई है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपके फेफड़े में कफ जमा है तो ये उसके लिए बहुत बेहतर माना जाता है। ये ब्रोंकाइटिस के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यह बहुत कारगर माना जाता है। ये हमारी श्वास नली में होने वाली सूजन कारी बीमारी से राहत दिलाता है, फेफड़ों तक हमारे ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो आइए हम जान लेते हैं कि टर्बुटालिन सल्फेट और ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और जेस्पेंसिन मेंथॉल का क्या काम है। तो आइए हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट में के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एस्कोरिल प्लस सिरप के बारे में। एस्कोरिल प्लस सिरप इसमें कंपोजिशन की बात करने वाले हैं आपसे। तो इसमें
ब्रोमैक्सिन से संबंधित जो म्यूकोलाइट एजेंट होता है, या हम कह सकते हैं जो बलगम होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड, ये उस बलगम को पतला करके उसके म्यूकस को कम करने का काम करता है। साथ ही बलगम को पतला और ढीला बनाने में भी मददगार होता है। इसके कारण खांसी की समस्या से राहत मिलती है। एस्कोरिल प्लस में जो एस्फेंसिन नामक एक एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो ब्रोंक्रियल स्राव को बढ़ाने में मदद करता है, या यूं कह सकते हैं हम कि ये चिकने दब्बे या चिपचिपाहट को कम करके हमारे शरीर में चिकनाहट को हटा करके और खांसी के बलगम को दूर करने का काम करता है। दवा में मौजूद टर्बुटालिन ब्रोन ब्रोनकोलाइडेटर के रूप में काम करता है। यह वायु मार्ग में या मांसपेशियों को आराम दिलाने में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके कारण सांस लेने में जो दिक्कत आती है उस समस्या को दूर करता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लें कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर सिरप के रूप में आप ले रहे हैं प्रति 5 ml या उससे अधिक मात्रा में, तो हो सकता है किसी किसी के शरीर में लाल चकत्ते दाने निकल सकते हैं, वोमिटिंग भी हो सकती है, या आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, या फिर इससे ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसको लेना बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।